सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सिंपली Redmi के कोई भी स्मार्टफोन में सिंपली ऐप को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि आप सिंपली सेटिंग में जाके डायरेक्टली आप ऐप लॉक लगा सकते हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ऐप को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। और जो ये फीचर है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐप लॉक के ही अंदर दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। सो हे गाइस, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे सिंपली ऐप को कोई भी हाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया कि मैं व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर पबजी या फिर कोई भी ऐप मैं हाइड करना चाहता हूं, ताकि मतलब कोई मेरा फ़ोन देखे तो वो ढूंढ ना पाए इस ऐप्स को, तो इसको मैं टोटली हाइड कर दूंगा। तो ये MI स्मार्टफोन्स के लिए है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और मेक श्योर करना है कि आपका फ़ोन जो लेटेस्ट वर्जन पे है वो अप टू डेट है। उसके बाद सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऐप्स की कैटेगरी मिल जाएगी। तो ऐप्स की कैटेगरी में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐप लॉक के ऑप्शन में आपको सिंपली जाना है और यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न मतलब एक्सेस दे देना है। इसके बाद ऐप लॉक में आपको जाना है और यहाँ पे ये खुल चुका है। इसके बाद ऊपर आपको सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हिडन ऐप्स का ऑप्शन है। तो हिडन ऐप्स का जो ऑप्शन है सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। हो सकता है मॉडल डिफरेंस करे, तो हो सकता है आप में इधर उधर आ जाए, लेकिन आपको ढूंढ लेना है इसको और इसको टर्न ऑन कर लेना है। और यहाँ पर ट्यूटोरियल में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो भी लिखा है इसको आपको पढ़ लेना है सिंपली, बाकी हम लोग पढ़ते तो है नहीं कुछ। तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ऐप, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज दैट मैं अपने व्हाट्सएप को हाइड करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप यहाँ पे मैं जो पहला व्हाट्सएप है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो दिस ऐप्स आइकन वोंट बी डिस्प्लेड ऑन द होम स्क्रीन आफ्टर यू हाइड दिस ऐप, हाइड दिस ऐप नाउ, ओके। तो ओके पे मैंने टैप कर दिया है। अब मैं देखता हूँ जहाँ से वो ऐप जो है वो गायब हो चुका है। सो हे गाइस, वो जो ऐप थी व्हाट्सएप की वो मेरी मतलब गायब हो चुकी है। और यहाँ पे वहाँ पे ट्यूटोरियल में मुझे बताया गया है कि आपको टू फिंगर से पिंच इन करना है। तो पिंच इन करने के बाद आपको दोनों फिंगर से जैसे आप जूम करते हैं वैसे ही आपको करना है, और आपका वो फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न जैसे ही आप पुट करोगे आपका जो ऐप है वो आ जाएगा। और यहाँ से सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के बाद आपको दोबारा करना है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जूम कर रहा है तो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आप जितनी भी ऐप चाहें हाइड कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से सिंपली आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के सिंपली जो ऐप है उसको हाइड कर सकते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब।